श्री बालाजी जीनिंग फैक्ट्री हिंगनघाट के डायरेक्टर मनोज गोयनका से commoditiescontrol.com ने कॉटन के उत्पादन आने वाले दिनों में कॉटन की मांग और प्राइस मूवमेंट पर बातचीत की। मनोज जी, इस साल महाराष्ट्र खासकर विदर्भ में कॉटन का कितना पैदावार होने का आपका अनुमान है? इस साल 15-20% क्रॉप कम है महाराष्ट्र में पूरे, आपके पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण क्रॉप में बहुत डैमेज हुआ है, 15-20% क्रॉप कम रहेगा इन एवरेज में। और विदर्भ की मंडियों में इस समय कॉटन की अरावल कैसी है? अभी विदर्भ की मंडियों में अरावल आप समझो 60-70% अरावल है, 30-35% अरावल कम है अभी। किसान अभी ये भाव में बेचने की मानसिकता नहीं है किसान की, ये भाव में माल बेचने की, क्योंकि उनको इस साल नुकसान हो रहा है भाव में। किसान क्या भाव पर होंगे तब बेचने के लिए मार्केट में आगे आएंगे? किसान भाव नहीं देखेगा कि उसको एक महीने बाद में जो भी भाव आएंगे, एक डेढ़ महीने बाद में माल बेचेगा वो, तब वो सोच रहा कि 5000 रुपये कपास हो जाए तो एक बार कपास बेचे, पर डेढ़ महीना ना वेट करेगा किसान, अभी चाहे कोई भी भाव हो जाए डेढ़ महीने बाद वेट करेगा। कॉटन में एक्सपोर्टर्स की डिमांड कैसी देखने को मिल रही है? एक्सपोर्टर को डिमांड है पर वो ऊँचे भाव में नहीं है, वो 38,000 की रेंज में है, क्योंकि उन्होंने 81 सेंट में माल बेच के रखा सब एक्सपोर्टरों ने, वो कारण से उनको पैरिटी नहीं बैठ रही है ये। और जनवरी के बाद आप कॉटन के दाम में किस तरह देखने को मिल सकते हैं? ये जनवरी के बाद में कॉटन में एक वो पॉइंट है कि चाइना की पॉलिसी कैसी रहती है परचेज की, चाइना गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि आज की तारीख में स्पिनिंग मिल वालों को नुकसान है ये भाव में, तो चाइना अगर एक्सपोर्ट होगा तो भाव बढ़ेंगे, पर अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो भाव ये भाव ही चलते रहेंगे। ये और कॉटन सीड और कॉटन के केक की बात करें तो उनमें किस तरह की डिमांड है और क्या प्राइस मूवमेंट अगले एक महीने में देखने को मिल सकता है? कॉटन सीड और कॉटन केक की डिमांड अभी एकदम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अभी मेरे 1350 से 1400 भाव चल रहे हैं कॉटन केक के, और कॉटन सीड के भाव चल रहे हैं 1700 रुपये, 1650 से लेकर 1700 रुपये, पर इसमें अभी 50 से 100 रुपये और माइनस हो सकता है, क्योंकि माल सूखे आना शुरू होंगे, अभी नॉर्थ में इस साल कॉटन का सोइंग कम है, तो अभी से उन लोगों की डिमांड बनी हुई है, 1250 रुपये से कम ढेप लगती नहीं, कम होगी हमको। आपके एरिया में कॉटन में CCI की बाइंग कैसी देखने को मिल रही है? CCI की कुछ बाइंग है, कुछ सेंटरों पे है जहाँ जहाँ उनको पैरिटी से माल, जैसे वनी में है, वनी में CCI ने परचेस शुरू है, हिंगनघाट में नहीं है, आजू बाजू स्टेट जहाँ जहाँ उनको जीन प्रेस मिल रहे हैं वहाँ वहाँ कोशिश कर रहे हैं, पर उनको पैरिटी में बैठा तो लेंगे माल, क्योंकि उनको कमर्शियल प्राइस में लेना है, MSP में लेना नहीं है। और ये कॉटन के प्राइस में जो मूवमेंट आया है उसकी वजह से जीनर्स का मार्जिन कितना इफेक्ट हुआ है? इसमें बहुत मार्जिन तो बहुत आज की तारीख में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये डिस्पैरिटी चल रहा है जीनर को, क्योंकि अरावल का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, हर जगह जीनिंग की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, जिस जगह हिंगनघाट है प्रॉपर यहाँ 20,000 क्विंटल की कैपेसिटी रोज की, और यहाँ माल आ रहा 8-9,000 क्विंटल, तो डिस्पैरिटी ये जब तक प्रेशर बनेगा नहीं, जब तक डिस्पैरिटी रहने वाली है, ऑल इंडिया लेवल में डिस्पैरिटी का हर जगह है, कहाँ भी जाओगे आप, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो चाहे गुजरात हो, हर जगह डिस्पैरिटी चल रही है जी। मनोज जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।